गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो आज जो काम है, आज जाना है फिर से हॉस्पिटल, जाना है आज फिर से थेरेपी के लिए, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं तो मुझे आज बुलाया गया है थेरेपी के लिए, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। तो आज लकीली हस्बैंड मेरे को हॉस्पिटल छोड़ेंगे, जो हमारा आर्मी का हॉस्पिटल है, क्योंकि अभी जा तो रखे हैं वो, फिर अभी आएंगे ये किसी काम के लिए घर, और उनको उधर ही की तरफ जाना है। तो मैं, मेरे को फ़ोन करके कहा कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में मैं घर आ रहा हूँ और उसके बाद वो मेरे को हॉस्पिटल छोड़ देंगे। तो बस अभी रेडी होने ही जा रही हूँ। बच्चे उठ चुके हैं दोनों, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया, घर का काम कर दिया। तो आज थोड़ा लेट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे आज सिर्फ थेरेपी करवानी है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट जा रही हूँ। तो बस अभी पहले तैयार हो जाती हूँ 10 मिनट में, और उसके बाद निकलती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आएंगे तो वो मेरे को छोड़ देंगे, तो मेरे को सही पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी जाते टाइम क्या होता है ना कि अंदर कोई रिक्शा ऑटो तो चलता नहीं, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है पैदल, आते टाइम में बुक करवा के ला सकती हूँ। तो अभी जा रही हूँ तैयार होने, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, तो 10 मिनट नहीं 20 मिनट लगे रेडी होने में, और बस बिल्कुल रेडी हो गई। बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, तो मैं बस निकलूँ फटाफट से। तो क्या है कि जो थेरेपी है उससे मुझे काफ़ी आराम मिला, जो मेरी फर्स्ट थेरेपी हो, मेरे नीचे गर्दन से नीचे का दर्द बिल्कुल रह गया, मेडिसिन से भी रह गया, तो अब हल्का सा ऊपर भी है, अकड़न अभी भी गर्दन में है। तो देखते हैं आज जो थेरेपी है तो वो करवा लेते हैं 10 डेज़ की, तो फिर उसके बाद कितना आराम मिलता है कितना नहीं। तो चलो चलते हैं, अभी हस्बैंड का फ़ोन आ रहा तो उठाते और पता करते हुए। और यही होता है जब हस्बैंड के साथ जाना होता है ना, इनको कहना पड़े कि मेरे को छोड़ दो, तो हमेशा लेट होती है, क्योंकि एक तो ये बिज़ी रहते हैं, टाइम से आएंगे नहीं, तो मैं इनकी वजह से रुकी रहेगी, ये मेरे को बेस छोड़ देंगे, तो अभी तक आए ही नहीं और आधा घंटा हो चुका है मेरे को। और जिस दिन मुझे अकेले जाना होता है उस दिन मैं टाइम से पहुँचती सारा काम टाइम से, तो अभी 5 मिनट वेट करती हूँ, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चल दूँगी। मैं निकल चुकी हूँ, सब पहुँच चुके हैं बेस हॉस्पिटल, और हस्बैंड ने छोड़ दिया यहीं पे, तो बस अब जाती हूँ अंदर और देखती हूँ कि कितने टाइम में मेरी बारी आती है। काम हो गया ख़त्म और आ गए हैं बाहर, अब जा रही हूँ घर। वो जो थेरेपी थी वो तो हो चुकी है, तो अब निकलती हूँ घर। बल्कि बड़ी जल्दी हो गया, बल्कि मेरा जो काम था। चलो चलते हैं अभी घर। तो गाइस हम पहुँच गए अभी घर, और टाइम हो रहा है अभी 12:45। तो जल्दी नंबर भी आ गया, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम लगता नहीं है, जल्दी से नंबर आ जाता है। तो मैं गई थी अगर, और मुझे काफ़ी आराम, और एक जो पोपट हो गया पता क्या था, कि जिस दिन मेरी फर्स्ट 9 तारीख को मेरी फर्स्ट वो हुई थी, क्या कहते हैं उसको, थेरेपी हुई थी, तो मैंने पूछा था सर से कि सर अब कितने डेज़ के बाद मेरी फिर से थेरेपी होगी, तो उस उन्होंने कहा था कि उस जो पर्ची आपके पास उस पर पीछे लिखा होगा, ठीक है। फिर मैंने उस पर देखा तो उसमें 10 डेज़ लिखा था, तो मुझे लगा कि मुझे 10 दिन बाद जाना है, तो मैं एग्जैक्टली 10 दिन बाद गई। तो आज मैंने फिर पूछा कि सर अब कितने दिन बाद आना है, क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा उस पर्ची पे लिखा है कि 10 डेज़, तो मैंने कहा 10 डेज़ तो हम हैं नहीं, तो उन्होंने कहा 10 दिखाओ जरा पर्ची दिखाओ, तो उसमें 10 डेज़ जो मतलब है कि आपको 10 दिन लगातार आना है, आपको हर एक दिन थेरेपी हो रही, तो ये पावर। तो देखो मैं 10 दिन बीच में रुकी ना, तो अभी तक मेरी थेरेपी पूरी हो जाती। तो मैंने कहा आपने दूसरे दिन कहा था कि जो पर्ची पर लिखा होगा उतने दिन बाद आना, तो उन्होंने कहा कि मैं काम में भी जेदार हो भी सकता है, क्योंकि वो लोग एक दिन में कम से कम कितने लोगों को डील कर रहे हैं, कितने लोगों की थेरेपी कर रहे हैं, तो उनसे मिस हो गया। तो मैं वही सोच के 10 दिन बाद गई, लेकिन वो था कि मुझे मतलब 9 तारीख से लेकर 10 दिन तक मुझे कंटिन्यू थेरेपी करवानी थी, तो मेरी एक ही थेरेपी में मुझे काफ़ी असर मिल गया था, आज सेकेंड थेरेपी थी, तो आज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो कल से मैं अब रेगुलर जाऊंगी जितने दिन मैं यहाँ हूँ, और थेरेपी करवाऊंगी। तो अभी घर पहुँच गई, और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फ्रूटी वगैरह लाई, क्योंकि घर आते ही विवान पूछने लग जाता है कि मम्मी हमारे लिए आपने क्या लाया। तो ये देखो ये देखो, ये हमेशा खाने के लिए ऐसे उछलता है। तो चलिए मैं आ गई हूँ घर, तो चेंज करते हैं और दिन का खाना भी बनाते हैं, क्योंकि 12:45 बज चुके हैं, तो खाना भी बनाना है। तो अभी मिलते हैं आपको बाद में, ओके। बिबू ये मैंने टिश्यू पर भगवान बनाया, जरा दिखाना ऊपर दिखा। अरे वाह, ये तो बहुत दिखाना दिखा, एक बार दिखा मुझे दिखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया, शाबाश। चलो और ड्राइंग बनाओ, ठीक है।
मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, सो जा। इन दोनों की अलग ही कहानी, लड़ाई झगड़ा। जब तक दोनों मार नहीं खाते हैं तब तक दोनों सोते नहीं है। बिबू मैंने कहा सो जा, आ जा। तो जी विवान अभी नीचे से खेल के आ रहा, और ये देखो पूरे सर पे मिट्टी मिट्टी, और जरा शक्ल दिखा दे, ये देख पूरा कपड़े सब मिट्टी मिट्टी से भर के लाया। अरे कुछ पैकिंग के लिए आ गए, क्योंकि कमी पड़ गई थी पैकिंग करने के लिए, तो ये लेके आ गया। कल पूरी पैकिंग करेंगे और परसों चल देंगे। क्या हुआ देखो, रुकती हूँ। विवान को नहला दिया, विवान बन गया है हीरो, है ना, और जिद कर रहा है कि कुछ खाना है। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि टाइम भी 9:15 हो चुका है। तो आज बना रही हूँ मैं लौकी और इसमें चना, लौकी चना। तो अभी मैं काट ही रही थी प्याज, और इतनी छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ। तो चलो अभी बनाते हैं शाम रात का खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी खाना हो गया और अब जा रहे सोने। तो मैं सोचे थोड़ा जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है। कल के दिन मैंने पूरी जितनी भी पैकिंग है और वो सब पैकिंग कर देंगे, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी पे हो चुके हैं। तो कल के दिन हमने पूरे दिन भर कल पैकिंग ही करनी है, और परसों हमने निकलना है। तो कल का दिन बहुत बिजी और थकान भरा रहने वाले। तो मैं जा रही हूँ सोने, और इस ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस यहीं पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक बाय। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।